इग्निशन टीवी, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V एबीएस मॉडल। इस बाइक की स्टाइलिंग की बात करें तो ये अपनी एल्डर सिबलिंग जो अपाचे आरटीआर 204V है उससे सेम टू सेम मैच करती है। उसी के सिबलिंग से ये स्टाइलिंग निकल के आई है, जो कि टीवीएस ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस चीज़ को करके। काफ़ी अच्छी लगती है बाइक। ये एक नेक्ड स्पोर्ट मोटरसाइकिल है और इसकी हेडलैम्प की बात करें तो इसमें आपको LED DRLs मिल जाएंगी जो डे टाइम के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, और इसमें हाइलोजन हेडलैम्प मिल जाएगा और सामने की तरफ आपको अच्छी खासी स्टाइलिंग देखने को मिल जाएगी। इसमें KYB सस्पेंशन भी आगे की तरफ लगाए गए हैं। फ्रंट की बात की जाए तो आपको 17 इंच LI व्हील मिल जाएंगे और इस पे सामने की तरफ लगा हुआ है पेटल डिस्क ब्रेक विद ABS, और इस पे ABS रिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवर भी लगाया गया है जिससे डस्ट वगैरह इस पे ना जाए। इसका जो फ्रंट का जो टायर का जो साइज़ है वो 90-90-17 इंचेस का टायर साइज़ लगाया गया है। मीटर कंसोल की बात की जाए तो इस पे आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, क्लॉक और ट्रिप मीटर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसमें रेव मीटर भी आपको मिल जाएगा। राइट हैंड साइड के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात की जाए तो आपको इसमें इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट बटन मिल जाएगा। स्विच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और लीवर्स की क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट है। ग्रिप भी इसका काफ़ी अच्छा है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके लेफ्ट साइड के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात की जाए तो आपको पासिंग लाइट, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच मिल जाएगा। इस बाइक के इंजन की बात की जाए तो इस बाइक में लगाया गया है ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 वेल्व 159.7 cc का, जिसकी मैक्सिमम पावर है 16.1 bhp एट द रेट ऑफ 8000 rpm पर, और जिसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.8 Nm एट द रेट ऑफ 6500 rpm पर। इस बाइक की बोर की बात करें तो इसका बोर है 62 mm, इसका स्ट्रोक है 53 mm, और ये कार्बोरेटेड बाइक है, और जो इसका इग्निशन है वो TCI है, और जो इस पे स्पार्क प्लग लगे हुए हैं इसमें सिंगल स्पार्क प्लग है, और इसका गियर पैटर्न 5 गियर पैटर्न पे ये आती है बाइक। इस बाइक के पीछे की बात करें तो आपको यहाँ पर साड़ी गार्ड देखने को मिल जाएगा। चैन कवर काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने पे, और इस पे टायर हगर भी लगा हुआ है। इस बाइक की सस्पेंशन की बात की जाए तो इसमें रेस ट्यून्स सोवा का सस्पेंशन दिया गया है, जो कि मोनोशॉक है, और इस पे इसको कवर करने के लिए इस पे मडगार्ड भी दिया गया है। इस बाइक की एग्जॉस्ट की बात की जाए तो इस पे जो है काफ़ी बेसी एग्जॉस्ट यूज़ किया गया है जो डुअल बैरल एग्जॉस्ट के साथ आता है। इस पे 200 mm की रियर डिस्क लगाई गई है, और इसके पीछे का जो टायर का साइज है वो 130-70-17 inches का टायर लगा हुआ है, जो कि काफ़ी वाइड है देखने में। की रेयर टेल लैंप की बात की जाए तो ये काफ़ी रेसी फील हो रही है, और इस पे आपको रिफ्लेक्टर्स भी कई सारे पीछे की तरफ देखने को मिल जाएंगे, और इसका जो ग्रैब रेल है वो बैटमैन टाइप का है, जो काफ़ी क्लासी लगता है इस सेगमेंट की बाइक में। इसके फ्यूल टैंक की बात की जाए तो ये काफ़ी एजी और शार्प बनाया गया है। यहाँ पर आपको TVS का एनवेलप और थोड़े बहुत ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी सही लगती है इस सेगमेंट की बाइक में। और इसका फ्यूल टैंक है 12 लीटर और इसका रिजर्व जो है 2.5 लीटर है। ये बाइक ऊपर से देखने में कुछ ऐसी लगती है, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक तो आप देख ही रहे होंगे, ये काफ़ी मैस्कुलर फील हो रही है, और इस पे जो है स्प्लिट सीट यूज़ नहीं की गई है, जो कि काफ़ी कम्फर्टेबल है, एफिशिएंट है। इस बाइक की ओवरऑल वेट की बात की जाए तो ये 143 kg की है, और इस बाइक की लेंथ है 2050 mm, और इसकी विड्थ है 790 mm, इसकी जो हाइट है वो 1050 mm है, इसका जो व्हील बेस है 1357 mm का इसका व्हील बेस है। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm है, और जो इसकी सीट हाइट है वो 800 है। जो इसकी चेंचेस का टाइप है वो डबल क्रेडल फ्रेम पर ये बाइक आती है। ये बाइक देखने में काफ़ी स्टाइलिश है और एजी है। इस पे नीचे की तरफ मड गार्ड भी काफ़ी स्टाइलिश लगाया गया है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। बाइक की टॉप स्पीड 113 km/h है, और जो इसका माइलेज है वो आप क्लेम कर सकते हैं 40-45 kmpl, और फिर ये आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बाइक कितनी माइलेज निकाल सकती है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ खास फीचर्स अपाचे आरटीआर 164V के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। और हम यहां पर डीलर का नंबर भी दे रहे हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप डीलर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डीलर का नाम और नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और इस बाइक की जो ऑन रोड प्राइस है वो 119,500 है। And thanks for watching, guys.